नमस्कार सर, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरुणा जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। अरुणा, मैंने सुना है कि आपकी सफलता में आपके पिता ने बड़ी भूमिका निभाई। उनके सपोर्ट और अपनी इस जर्नी के बारे में कुछ बताएंगी? सर, परिवार के बिना तो हम एक नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। मैं तो पैरालंपिक्स सेकेंड टाइम खेलने के लिए जा रही हूँ। पापा की स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट रहा है, साथ साथ मेरी मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। क्योंकि जब सोशल जो प्रेशर होता है, लोग दिव्यांग को एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकती, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आज मेरे घर में सर मुझे अपने भाइयों से कम नहीं समझा जाता। मम्मी बोलती है हम तीन भाई हैं, तो फैमिली का मुझे स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट रहा है सर। अरुणा, पिछले पैरालंपिक्स में आप एक महत्वपूर्ण मैच से ठीक पहले घायल हो गई थी। इस चोट के बाद आपने कैसे खुद को प्रेरित रखा और कैसे इससे बाहर निकल पाई? सर, जब आप एक मेन टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक इकलौते गेम में, मैंने पूरे ताइक्वांडो कम्युनिटी को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, बट कहीं ना कहीं इंजरी की वजह से पीछे हो गई। बट सर, एक इंजरी आपके गेम को नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरा एम बहुत बड़ा है। इंजरियाँ, जब तक इंजरियाँ नहीं आएंगी, आपको स्पोर्ट्स में मज़ा भी नहीं आएगा। इंजरियाँ तो सर स्पोर्ट्स में गहना है एक एथलीट्स का, तो कमबैक करना इतना मुश्किल नहीं था सर। बस मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा। मेरे कोचेज, जो मैम संध्या भारती मैम है, और मेरे पेरेंट्स, मुझे यही बोला कि एक पैरालंपिक तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, अभी तो बहुत सारे पैरालंपिक खेलने हैं। अरुणा, आप इंजरी को गहना समझती हो, यही आपकी मनोभूमिका सबको प्रेरित करने वाली है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसा गहना पहने। अरुणा, आप फाइटर है अपने खेल में भी और अपने जीवन में भी। आपने देश के लिए तो पदक जीता है, पर आपने लाखों बेटियों को भी प्रेरित किया है। आप फाइटर मानसिकता से पेरिस में शानदार प्रदर्शन करें, पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर।